स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आप अपने किसी भी रियलमी वाले डिवाइस में फ्रेंड्स आपको अपना कैसे कस्टम वॉलपेपर चेंज करना है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या हुआ, अपना कस्टम वॉलपेपर चेंज करने के लिए फ्रेंड्स आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इंटरफेस में सेटिंग के दिख जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको दिख जाता है वॉलपेपर्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टैटिक वॉलपेपर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ के आपके कई सारे वॉलपेपर जो आपके खुद कस्टम वॉलपेपर आ चुके होंगे आपको इंटरफेस में दिख जाएंगे। पर फ्रेंड्स कस्टम मतलब फ्रेंड जो अपने आपसे आप अपने फ़ोन से कुछ कस्टमाइज़ करके अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वो भी कस्टम वाला। सिंपल फ्रेंड्स अभी मेरे होम स्क्रीन पे ये वाला मेरा कस्टम वॉलपेपर सेट है। सिंपल फ्रेंड्स आप कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपना कस्टम वॉलपेपर। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा, किसी एक पे क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एप्ली पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको होम स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप बैग जाते हैं तो आपका यहाँ पे वॉलपेपर चेंज हो चुका है, वो भी कस्टम वाला। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।